कल 5 बजे के आसपास मैं आ पहुंचा ओस्लो। ये है ओस्लो सिटी। मैं सोचा कल सुबह सिटी वॉक करूंगा, तब वीडियो लूंगा। अभी थोड़ा मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन एक्सप्लोर कर लेता हूँ। इधर कोई एकेडहस फोर्ट करके जगह है, वहाँ से जाने का सोचा सुबह सुबह। वैसे मैं कल रात को मेरा जो चार्जर था तो यूनिवर्सल चार्जर वो ख़राब हो गया, तो अभी मैं ख़रीदा था वो भी काम नहीं किया। मेरे को आज फिर से ख़रीदना है कोई चार्जिंग पॉइंट, क्योंकि मेरा अभी भी 10 दिन के आसपास नोएडा में रहना है। नोएडा का और एक बड़ा डिफ़िकल्टी है, इधर यूरो नहीं चलता है, मेरे को नहीं पता था। फिर मेरे कैश भी नहीं चल रहा है, मेरा कार्ड भी बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे कार्ड में यूरो लोडेड है। ये बहुत बड़ा दिक्कत है नॉर्वे का। मैं आ पहुँचा नॉर्वे का राजधानी ओस्लो में। एक एकेरहस फोर्ट्रेस करके कोई जगह है जो 13th सेंचुरी में बना, और अगर top 10 places टू विज़िट इन ओस्लो सर्च किया जाए तो सबसे पहले यही आता है। तो मैं सोचा सुबह सुबह आ जाते हैं। ऐसे कोई ख़ास जगह तो है नहीं, बट सुबह सुबह खाली है, नॉर्मल फोर्ट्रेस टाइप ही है, थोड़ा चराई है। बट सुबह सुबह मेरे पास समय था, मेरा चार्ज भी नहीं दे पा रहा हूँ, तो मेरे को जाना ही है दुकान। इधर से सीधा जाऊँगा, पहले चार्जर लूँगा, सोचा थोड़ा देख लेते हैं। मैंने पास भी ले लिया 495 क्रोना का, ऐसे खाली है काफ़ी, और इधर पास में ही शायद समंदर भी है। मैं देखता हूँ नॉर्वे का व्यू कैसा है, सॉरी ओस्लो का व्यू। हमारे उधर का कैसल भी ऐसे ही दिखते हैं, कुछ अलग नहीं है। बस ये यूरोप है, नॉर्वे है, ऐसे नॉर्वे बहुत कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा। और सबसे बड़ी दिक्कत है, इधर यूरो नहीं चलता, मेरे को नहीं पता था कि नॉर्वे में यूरो ही नहीं चलता। मैं सोचा सेंजन कंट्री वीसा सेम है तो यूरो चलेगा। ओह, ये व्यू तो बहुत बढ़िया है, ये फोर्ट का ऊपर से व्यू है, जहाज़ वगैरह सब कुछ। जैसे ओस्लो में ज़्यादा टूरिस्ट आते नहीं हैं, बट ये वीडियो तो बहुत ही अच्छा होगा ये सो, क्योंकि इतना बढ़िया व्यू मैंने शायद अभी ना तो एम्स्टर्डम में देखा, बस कनाल, छोटे छोटे नदी, बट ये तो पूरा समंदर समंदर दिख रहा है। और इधर ही शायद क्रूज़ होता है, मैं देखता हूँ आज क्रूज़ करने का कोशिश करता हूँ। ये व्यू तो फार बेटर है एम्स्टर्डम या पेरिस से, क्योंकि बाकी जगह तो नाली में ये लोग इतना शूट करते हैं, तो ये तो समंदर है पूरा। यही है फोर्ट, आज से 700-800 साल पुराना, और इस साइड पूरा समंदर जैसे दिखने लायक, बहुत ही बढ़िया व्यू है। आई डोंट नो क्यों लोग नॉर्वे नहीं आता है, बस लोगों को किसी को पूछो तो एम्स्टर्डम जाना है, स्विट्ज़रलैंड जाना है, बट ये व्यू तो बहुत ही गजब का है। आई एम लकी कि मैंने नॉर्वे का फ्लाइट बुक किया था फाइनली। मैंने भी बहुत ज़्यादा डिलेमा में था, बट फाइनली मैंने नॉर्वे चूज़ किया ओवर स्विट्ज़रलैंड। बहुत बढ़िया व्यू है। इधर क्रूज़ भी होता है, इसको फॉर्ड बोलते हैं शायद, FZORD, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट। इंग्लिश तो चलता है इधर, इंग्लिश लोग अच्छे से समझते हैं।
काफ़ी ब्रिटिश टाइप कल्चर ही है। मैं फोर्ट से बाहर निकल गया हूँ क्योंकि ऐसे ही ऑलमोस्ट 500 नॉर्वेन क्रोना दिया हूँ मैं ओस्लो पास के लिए, और ये तो फ्री डेस्टिनेशन है। नॉर्वे का जो मेजर धंधा था ये था फिशिंग, तो इधर फिशिंग बोट वगैरह बहुत दिखता है। बहुत सुंदर है नॉर्वे, बहुत सुंदर। मैं देखता हूँ अगर क्रूज़ करने का मौका मिल जाए तो अभी कर लूँगा, क्या पता बाद में टाइम मिले ना मिले। ये सारे बोट्स रखा हुआ है, इनका जो बोट है इधर। नोडल पीस सेंटर, ये है नोडल पीस सेंटर, अभी तो बंद है। ये बिल्डिंग नज़र में आया, पता नहीं क्या है, पास में है कुछ तो होगा। कुछ राधोस प्लासन बैठा, ये है सिटी टाउन हॉल एक्चुअली। ओस्लो का मेन मेन अट्रैक्शन सारे इधर ही एक्युमुलेटेड है, एक साइड पोर्ट और एक साइड सिटी का टाउन हॉल, नोबेल पीस सेंटर। ये वो सिटी हॉल का पीछे का साइड है जिसके सामने से मैं फोटो खींचा था। ये है राजू से, हिंदी में लिखा हुआ मिला मेरे को पहली बार यूरो ट्रिप में, डेर पेपर ग्रोट हिंदी में, अमेजिंग बटर चिकन, और वो भी सेंट्रल एरिया ऑफ ओस्लो में, नेशनल थिएटर ऑफ ओस्लो। कोई गाइडेड टूर चल रहा है, वॉकिंग कर रहे हैं लोग, काफ़ी बुजुर्ग लोग ही है। ये नेशनल थिएटर ऑफ ओस्लो के पास पहुंच गया। मेरा क्रूज़ का टाइम 10:30 बजे है, आज वेदर तो बहुत ही बारिश होने लायक है, पता नहीं क्या होगा। तो नहीं शोर कुछ नहीं पहन के निकली। यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो, इधर हॉप ऑन ऑफ ऑफ बस भी चलता है काफ़ी, मैंने लिया नहीं, सोचा वॉक करके ही देख लूँगा कितना ही बड़ा सिटी है ये यूनिवर्सिटी। देखने में तो विधानसभा लगता है। यह है ओस्लो का रॉयल पैलेस। तो बहुत जोर बारिश आने वाला है ऐसे लग रहा है आसमान।
एरिया तो मस्त है, रॉयल पैलेस ऑफ ओस्लो। यही मेन सेंटर है और इसके पास बहुत बढ़िया गार्डन है। मेरे को अभी लग रहा है कि ऐसे वॉकिंग टूर बुक कर लेना चाहिए था। मैं तो कल ओस्लो पास ले लिया तो इसलिए वॉकिंग टूर नहीं लिया। एक्चुअली मेरा कार्ड काम करना बंद कर दिया था, सडनली मैंने विड्रॉ करने के बाद बोला कि योर कार्ड हैज़ बिन स्टोलन और लॉस, तो किसी ने कंप्लेन किया है क्या हो गया। फिर मैंने चेक करने के चक्कर में बुक करना पड़ा मेरे को ओस्लो पास। अभी लग रहा है ओस्लो पास नहीं लेकिन मैं वॉकिंग टूर करता हूँ वो बेटर रहता है, क्योंकि ये ओस्लो बहुत ही छोटा शहर है, अगर वॉक करके सब कुछ घूमा जा सकता है, ज़रूरत नहीं है ओस्लो पास लेने का। हाँ अगर म्यूज़ियम में जाना है तो ले सकते, बट मेरे को नहीं लगता है मेरे को म्यूज़ियम में जाना है। मेरे को पहले तो चार्जर लेना है, मेरा फ़ोन, मेरा GoPro किसी में चार्ज नहीं है। मेरा पावर बैंक लाया था उसी से चार्ज किया, अभी पावर बैंक का भी चार्ज ख़त्म हो गया है। अभी किसी भी हालत पे आज पहले ये फोर्ट करना है, सॉरी क्रूज़ करना है 10:30 बजे, अभी बजा है 10, फिर 12:30 बजे वापस आके पहले तो मेरे को चार्जर लेना है, फिर मेरे को बाकी ओस्लो घूमना है। बहुत सुंदर सिटी है ओस्लो, बहुत सुंदर, मेरे को तो इनफैक्ट अभी तक का बेस्ट लगा एम्स्टर्डम और पेरिस से बात, क्योंकि ये कल्चर इंडियन कल्चर के साथ काफ़ी ज़्यादा जाता है, काफ़ी ज़्यादा वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, उतना खुल्लम खुल्ला ना सेक्स ना बियर, इंडिया जैसा कल्चर में बहुत मिलता है ये नॉर्वे का कल्चर। यही सिटी सेंटर के पास ही मिला मेरे को ये स्टैचू, आई डोंट नो क्या मतलब है। एक्चुअली इनका एक राजा था ना रोए, उनका तस्वीर स्टैचू है। सिटी बदल जाता है, आर्किटेक्चर बदल जाता है। पेरिस में एक टाइप आर्किटेक्चर था, एम्स्टर्डम में और है, और ये ओस्लो में बिल्कुल ही अलग। स्कैंडिनेवियन कंट्री का GDP बहुत ज़्यादा होता है पर कैपिटा, लोग बहुत आगे है। मैं कल चेक कर रहा था, फ्रांस का दुगना पर कैपिटा GDP है नॉर्वे में। ये इनका फूड स्ट्रीट टाइप है, सारे बड़े बड़े रेस्टोरेंट आता है। ये है इनका हिस्टोरिक बिल्डिंग एंड होम टू पार्लियामेंट स्टोरिंग। इंडियन रेस्टोरेंट एंड इंडियन होटल, पता नहीं इसका मालिक शायद इंडियन होगा। आ गया हूँ मैं बोट पकड़ने के लिए।
ऑस्लो में 2 घंटा फियोर्ड क्रूज राइड होता है। मेरे पास ऑस्लो पास था तो 15% डिस्काउंट मिला, बट ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है अगर ऑस्लो बहुत कम टाइम में एक्सप्लोर करना है तो, क्योंकि ये जो वाटर बॉडी है इसके ऊपर से एक एक करके प्लेस ये लोग बोलते रहते हैं। जैसे ये पैलेस है जो पैलेस में सॉरी कैसल है जो कैसल में पहले एक्सप्लेन किया, फिर धीरे धीरे एक के बाद एक आर्किटेक्चर ऑस्लो सिटी का, क्योंकि ऑस्लो सिटी का मोस्ट ऑफ द आर्किटेक्चर जो है ये वाटर बॉडी के पास ही है। पेनिनसुला बोलते समथिंग पेनिनसुला बोलते ये लोग। उधर से दिखता है बहुत सारा आइलैंड्स। ऑस्लो में अगर 1 या 2 दिन के लिए आए हैं तो ये क्रूज राइड तो करना ही चाहिए। और हम जब चले थे तब स्टार्ट हुआ बहुत जोर से बारिश, और मैंने एक शर्ट पहन के गया था, कुछ भी नो जैकेट। ओपेरा है, फिर इनका बहुत सारा म्यूजियम्स है जो ये बोट राइड के थ्रू ये लोग दिखाते दूर से, और वो कब बना है कौन बनाया ये सब कुछ बोलते हैं, इंग्लिश में ही बोला जाता है सब कुछ। तो ये बोट राइड तो करना ही चाहिए, बहुत बढ़िया है। अनफॉर्चुनेटली हम जब गए थे तो बहुत जोर से बारिश स्टार्ट हो गया, तो मैं तो बहुत भीग गया था, तो डाउट था कि मेरा ठंड ना लग जाए, लेकिन ठंड तो नहीं लगा। आसमान देख के समझ आ ही रहा है ये समंदर जैसा वाटर बॉडी के अंदर जब बहुत जोर से बारिश स्टार्ट होता है तब बहुत ठंड भी लगता है। मेरे पास जैकेट नहीं था, तो बाद में मेरे को के लिए कंबल मिल गया, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग लोग थे इस क्रूज में, उनको भी काफ़ी ठंड लग रहा था, उनके पास तो जैकेट था तब भी ठंड लग रहा था। फिर इन लोगों ने कुछ शॉल टाइप बांट दिया। एक के बाद एक आइलैंड के ऊपर से क्रॉस करता है, तो ऑस्लो के जो नियरेस्ट बीच है उसका नाम है हुक, वो हुक के ऊपर से भी जाता है, हुक के पास से भी जाता है। जब जाता है ये लोग एक्सप्लेन करते हैं क्या है, या उधर कोई चर्च है क्या, या कब बना था। ये तो बहुत बढ़िया क्रूज राइड है, फिर नहीं चाहिए जो लोग ऑस्लो आते हैं इनको बोलते हैं फियोर्ड। फियोर्ड मतलब नॉर्वे का जो लैंग्वेज है, इसमें जब बहुत सारा पहाड़ों के अंदर से समुंदर रहता है इसको फियोर्ड बोला जाता है। मेरे को नहीं पता बाकी कोई लैंग्वेज में ऐसा कोई वर्ड है क्या, बट नॉर्वे में ये फियोर्ड भर भर के रखा हुआ है, तो नेचर ने दिया है। ये समुंदर जैसा लगता है दिखने में, एक्चुअली समुंदर ही है। ये मैं शॉल ले लिया क्योंकि बहुत जोर से हवा चल रहा था, बहुत ठंड लग रहा था। हम जब स्टार्ट किए थे तब टेम्परेचर शायद 18-19 था, और इस टाइम तो पता नहीं 10 डिग्री चला गया होगा, कि समुंदर के अंदर तो टेम्परेचर बोलते नहीं है। वो तो नियरेस्ट लोकेशन जो लैंड का है उसी का टेम्परेचर बोलते हैं उस टाइम। बहुत जोर से ठंड लग रहा था, मैं शॉल लेके ये क्रूज राइड कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं कल जब आया था तो इससे पिछले दिन जब पहुंचा था एम्स्टर्डम से ऑस्लो, उस दिन तो बहुत गर्मी था, पसीना पसीना हो गया था, तो इसलिए मैं सोचा टी शर्ट ही काफ़ी है, इधर जैकेट का ज़रूरत ही नहीं है। मैं समझ नहीं पाया सडनली अगला दिन इतना वेदर चेंज हो जाएगा, क्योंकि इधर बारिश कभी भी आ सकता है, और बारिश आए तो वेदर बिल्कुल चेंज हो जाता है। Dr. Miran saw a similar temple when traveling in northern Italy, and he imported the columns to Norway. He used the building as a summer house and for parties, but he sold it only 6 years later. Since the current owners bought the temple in 2006,
इनका नाम ये लोग बोलते पेपरिका, अगर गूगल में अपने की आप लोग सर्च करेंगे तो पेपरिका बोलते हैं ये जो वाटर बॉडीज है। हम लोग सेल कर रहे हैं, ऐसे ही लग रहा है बहुत बड़ा समंदर में हम लोग सेल कर रहे हैं जहाज लेके। ये तो ये जहाज ही काफ़ी स्टेबल है, बट तब भी जब बहुत ज़ोर से हवा चल रहा था हिल रहा था। मैं बारिश बंद होने के बाद सोचा कि सामने आ जाता हूँ, थोड़ा फोटो खींचने में अच्छा मदद मिलेगा, तो मैं नीचे आके थोड़ा सामने के साइड आ गया और सामने से ऐसे क्रूज राइड का मज़ा लेने लगा। दो घंटे का क्रूज राइड होता है बट एक डेढ़ घंटे बाद थोड़ा बोरिंग ही लगता है, क्योंकि एक के बाद एक ये लोग एक्सप्लेन करते रहते हैं बट मेरे को उतना आइडिया नहीं है नॉर्वे का हिस्ट्री के बारे में। बट क्रूज राइड तो एंजॉय करने लायक है, अगर दोस्त लोग वगैरह है या दो तीन लोग हैं तो खाना भी ऑर्डर कर सकते हैं। इधर क्रूज़ में खाना दारू ये सब ऑर्डर कर सकते हैं। ना मेरे को दारू पीना था ना खाना खाना था, क्योंकि मैं बोट राइड लेने से पहले ही थोड़ा फलाफल टाइप खा लिया था। हॉस्टल में बहुत सारा वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स है, इनफैक्ट मैं जब सर्च किया गूगल में कि बेस्ट रेस्टोरेंट इन हॉस्टलो तो पहला रेस्टोरेंट का नाम आया एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, और उसके टॉप 5 में शायद एक इंडियन रेस्टोरेंट का नाम है। तो इधर इंडियन और पाकिस्तानी बहुत रेस्टोरेंट है और टर्की का भी बहुत सारा रेस्टोरेंट है, इस्तांबुल सब ग्रिल इस्तांबुल कबाब ऐसा बहुत सारा रेस्टोरेंट है। नॉनवेज अगर कोई खाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वेज भी खाता है वेज के लिए भी बहुत ऑप्शन है, बहुत सारा वेजिटेरियन रेस्टोरेंट भी है असल में। ये एक इलेक्ट्रिक शिप बनाया आई गेस जर्मनी ने, वो शिप है। फिर हमारा बोट राइड ख़त्म होने को आया और शायद 10 मिनट के आसपास बचा रह गया। ओस्लो आके भी बनारस का रेस्टोरेंट, फिर बोट राइड ख़त्म हो गया, बनारस रेस्टोरेंट एंड बार मैं चला बार भी वॉक करते करते मेन शॉपिंग ओस्लो आके भी बनारस का रेस्टोरेंट बनारस रेस्टोरेंट एंड बार चार्जर खरीदने पहले बार भी बना, फिर बाद में वापस आया